और आज मैं आपको कुदरती जो तीन थनों की व्यास है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी भाई आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो भाई खुर्द माई गांव से लेके आए थे, और वीडियो दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक आप ये कह सकते हो कि ऐतिहासिक कदम रहा है गांव का। तो ये आप सबसे ऊंचा जो एक टावर देख पा रहे हो, ये टावर नहीं भाई, पक्षियों के लिए घोंसले का वो बनाया गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के पक्षी अपना ये समझो एक फिक्स मून को मकान जैसे प्लाट काट के दे देते हैं मनुष्य के, वैसे इनके प्लाट हो गए हैं भैया। और जो गांव के भी पक्षी हैं वो इधर आके रहने शुरू कर दिए हैं। अभी दस एक दिन से शुरू करे भाई, ये दस एक दिन से हैं, अभी कंप्लीट हो गया, अभी पक्षी आने शुरू हो गए। तो इनमें अलग अलग अपने खानों में ये रहना शुरू कर देंगे, फिर बच्चे देंगे, ऐसे बढ़ता रहे। तो एक किस्म की ये कह सकते हैं पक्षियों को बढ़ाने की प्रक्रिया है, ये पक्षियों को बढ़ावा मिलेगा। तो इनके पानी की सुविधा तो ऐसे पीते रहेंगे, बनेगा। अच्छा, इसके बाहर से चबूतरा भी बनेगा, इसके बाहर दाना डाल देंगे नीचे ऊपर जाओ। बहुत बढ़िया भाई, देखो मेरा प्रयास ये रहता है भाई, मेरे पशुपालक साथियों को मैं एक से एक बढ़कर जानकारी देता रहूं। आज अपने चैनल पे पहली बार ये जानकारी मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूं, और आप भी अपने गांव में ऐसा ऐतिहासिक कदम उठा सकते हैं। ये किसने बनवाया है भाई? ये भाई ने तो महेंद्र शर्मा नाम है, महेंद्र शर्मा ने बनवाया भाई। ये बहुत अच्छी पहल है भाई की, और हम इस बात के लिए भाई को शुभकामनाएं देते हैं कि इतने अच्छी है उनके सोच और विचार है भाई ये गांव के लिए जो कार्य करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले खुर्दमाई में पहुंचे, मैंने आपको जो ऐतिहासिक जो टावर था, पक्षियों का घोंसला जो, यानी कि पक्षियों का घर, इतना ऊंचा, सबसे ऊंचा जो घर बनाया है, तो बहुत ही इस गांव का ये शुरुआत है। और इसको देख करके गांव में और भी ऐसे दूसरे गांव सिखलाई लेकर के ऐसा प्रयास करेंगे। और उसके बाद आज दूसरा एक और इसी गांव में एक और अजूबा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरा प्रयास तो ये हमेशा यही रहता है कि और भी अच्छी अच्छी जानकारी मैं आप लोगों को इकट्ठा करके आप लोगों तक घर बैठे पहुंचाऊं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले भाई का इंट्रोडक्शन कराता हूँ, मिलाता हूँ उससे और सारी बातचीत भाई से लेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। और भाई क्या नाम है आपका? सतीश जी। सतीश, हाँ जी। तो आप क्या काम करते हो भाई? जमींदारा खेती बाड़ी। हाँ जी। और पशुपालन का भी काम करते? हाँ, हो पशुपालन। तो आज किस चीज की वीडियो बनवाने जा रहे हो? जोटी की बनवा रहे हैं। जोटी की? हाँ जी। तो कौन से व्यात की है? पहली व्यात की, तो दो दांत काटड़ी है। दो दांत काटड़ी है। तो अगर आपको काटड़ी को देखो भाई, कितनी सुंदर काटड़ी है, आगे का चेहरा मोरा देखो, सिंग की क्वालिटी देखो, और उसके बाद जो इसकी खासियत है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये तो दोस्तों आपने ब्यास तो बहुत देखी होंगी, देखो अपने वीडियो में आपने दो थनी देखी थी, चार थनी तो देखते ही रहते हो, पांच थनी भी देखी हैं, और छह थनी मैंने देखी थी, उसकी वीडियो नहीं आई थी। और आज मैं आपको कुदरती जो तीन थनों की व्यास है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। और देखना भाई, जो कि जन्म से ही है भाई इसके। हाँ, जन्म से जी। जन्म से तीन थन है, कोई देख लो चौथे थन का कोई निशान नहीं है भाई। ये देखो भाई, ये देखो, बिल्कुल कोई निशान नहीं है इसके। और खरकी कटिया है, और नीचे क्या है भाई इसके? ये कटड़ा है, ये नीचे कटड़ा है, मेल काफ है भाई। और कौन से सिमन का है? अर्जुन कुंगड़। अर्जुन कुंगड़ का। और ये खुद कौन से सिमन की? हीराबुल की है जी। हीराबुल की है जी। अभी कई दिन की ब्याई होगी भाई? ये 11 दिन की होगी जी। 11 दिन की ब्याई होगी। दूध कितना है इसका? 11 किलो दूध है। 11 किलो दूध है, बहुत बढ़िया भाई। 11 दिन की ब्याई का 11 केजी दूध, इसका मतलब दूध और भी बढ़ेगी, 14 केजी 15 केजी तक जाने की उम्मीद है। 14-15 किलो बनाने की उम्मीद है जी। बहुत बढ़िया। तो इसका दूध और निकाल के दिखा भाई, कैसे कैसे निकालते हो दूध तीन थनी का भाई? ये एक थन को पड्डे को पहते हैं, और बाकी बाद में काट दे। एक थन तो जो आगे वाला हो पड्डे को पहते हो, और बाकी दो थना का काट लो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो मजा आता है चुवाई दो खूब। ये भाई आप पीछे देख रहे हो, इस तरफ के दो थन है, पीछे से आपको एक थन दिखाई देगा परली तरफ से, और पीछे से और दिखाए, पीछे से और दिखाए, थनों का गैप देखो जोटी ने भाई कितना अच्छा लिया है, और बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया निकाल ले भाई। तो भाई साहब, आपने ये बताया कि नीचे मेल काफ है, अच्छा 10 केजी दूध तैयार है, 10 दिन की ब्याई के ऊपर ऊपर है जी, 10 के ऊपर ऊपर है जी। तो सेल भी कर सकते हो? हाँ, कोई डंका लेने होगा दे देंगे इसको, अब बढ़िया पैसे लगेंगे। बढ़िया पैसे लगे। तो एक रेट बताएं कितने की? 140 तक की देने की इच्छा जी। 140 की। तो भाई 140 का भाई ने मोल रखा है,
और अगर किसी को फर्स्ट टाइमर दो दा झोटी चाहिए वो भी तीन थनी भाई, तो आपने मानते हैं कि बहुत कम देखने को मिलते कि जन्म जात से तीन थनों बैस के बहुत शुभ माना जाता है। और जो भी साथी भाई अगर ये तीन थने वाली दो थने वाली ब्याह चाहता है तो भाई से संपर्क कर सकता है। भाई का नंबर एक बार फिर दुरा दे भाई, एक बार 999-143-2286 999-143-2286। तो कुछ कम भी हो जाएगा भाई? भाई वो तो देख लेंगे, कोई विचार थोड़ा बहुत देख लेंगे भाई। कहने का मतलब ये है भाई बहुत अच्छी झोटी है और भाई ने जो कीमत बताई है लगभग जायज बताई है, ऐसी बात नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइमर झोटी नीचे अच्छा मेल काफ। और किसका बेटा बताया था आपने? अर्जुन कुंगड़ का बेटा भाई, खुद हीरा की बुल्की और खुद हीरा बुल्की है, यानी के दूध की जो क्षमता है हम सोच सकते हैं कि मेले तो चली नहीं है नहीं जी, तो मेले चलने के बाद आप समझ सकते हो 10 केजी से जो उठी हुई 9-10 केजी से खर की उठती है तो 14-15 पार जाने के उसकी बहुत अच्छे चांस है कि 14-15 केजी दो दात का थोड़ा नहीं होता और किसी का सबर होता नहीं भाई। तो जो भी साथी भाई खरीदना चाहता है भाई से संपर्क कर लेना। दूध निकाल रहा है हाँ जी, पशु का बड़ा अच्छा पालक है, बड़ी सेवा करता है, कोई भी लंगड़ा है बड़ा खतर छोड़ जाएगी जी, आप आई जाए बड़ा खतर छोड़ दे, उसके लिए ये लड़का बहुत सेवा करता है, इसका नाम सतीश शर्मा है, बड़ा खतर छोड़ दे, पशुओं की सेवा ये अपने खुद के पैसे से करता है। यहाँ से महेंद्रगढ़ कम से कम 25 या 30 किलोमीटर है, वहाँ पर अपने पैसे से गाड़ी लेके उसको अस्पताल में ले जाता है और ठीक करवा के छोड़ता है, और कभी कभी तो यहाँ पे छोटा मोटा काटो में सेव करता बेटा। छोड़ दे गौशाला में, वो ये पूरी बेची है। हाँ अच्छा, लोगों को भी कौन सा यो 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 भाई? हाँ इसका बहुत अच्छे बिता रहे बेटे सतीश का, तो मालिक अभी जो पैसे लिया हुआ है सतीश से। अच्छा सतीश करा एक सेवा छोरा दोनों, अच्छा सतीश ज्यादा करे। तो आपने भाई तीन थन वाली ब्याज देखी थी? अच्छा देखना आयो, तो अभी तक आपको भी पता नहीं था? नहीं पता था। तो आपने दो दो थन देख ली? दो सुनाई, दो थन की देख ली, दो की देख ली। अच्छा। और मतलब पांच की भी, अच्छा पांचवा मन देख लिया। अच्छा अच्छा हाँ, पांच तो थन ओए जा है। तो उसके बाद आपने छह थनी देखी है? चलो छह थन की मैंने देख ली, आज तीन थन की भी देख ली आपने? आज देखिए जी, इससे पहले कभी नहीं देखे भैया, दो थनी देखी और चार थनी देखी, ये पांचवा थन होता है उसमें दूध नहीं निकलता ऐसे। और सुंदर भी बहुत है, सुंदर देखने लायक है, ऐसा छोटा थन छोटा है छोटा सिंह तो होते ही नहीं, इतनी उम्र की झोटी इतनी सुंदर पावे सुंदर पावे कि नहीं, इसको सिंग नहीं पावे। अच्छा ये तो वीडियो के नीचे है, चलो सुंदर तो बहुत है। तो भाई ना अच्छी झोटी मिल गई सेवा के लिए और घर की ब्रीड तैयार हो जाएगी बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया। और आप माता जी हो सतीश की जी? अच्छा तो आप भी पहले खूब भैंस रखते होगे? खूब मैं तो डांगरे में दिन काटे, डांगरे में दिन काटने खेती बाड़ी डांगरे, क्या डांगर रखा करते पला? 12-12, 10-10 मारे। अच्छा दिन तो संभाल पड़ गई छोरा ने। अच्छा कितना दूध की रखा करते आप? 15-16 था उस टाइम में, 15-16 खातर भी बहुत था। तो किस की चराई करते आप? विंदोले बाजरा डलिया भी मका, तीन चीज गिरा करते, और कोई चीज? और तो फिर मैंने ओ अच्छा और कुछ नहीं गिरा कर दे तो, हाँ भाई फिर कौन सी पढ़े है? 10th में। और कौन सा गांव में? हाँ। तो और कुछ है, तू भी सेवा पानी कर रखे डांगरा की है? तेरा पापा करे तू भी करे है? हाँ। तो व्यास्ते एक के रख रहे हो? बाछी भी है एक। बाछी भी है? बाछी कहाँ से पड़ी है? गौशाला में लाया था, गौशाला में लाए थे, लाए थे छोड़ गए थे। ये दूध है भाई थोड़ा दो थनों का जो काटा है। तो भाई छोटू तेरा क्या नाम है? बसंत शर्मा। बसंत शर्मा, और तू क्या काम करता है? मैं इनकी सेवा वाणी करता हूँ। पढ़ाई? पढ़ाई करता हूँ 11वीं क्लास में। 11वीं में कौन से स्कूल में? MD जावा बजवाना। अच्छा कौन सी साइड? अभी तो 10वीं में है, 11वीं में कौन सी साइड ली? साइंस ली है। तो पढ़ाई में भी काफी होशियार है, पशुओं की भी सेवा करता है, साथ ही साथ मजा आता है पशुओं सेवा करने में। बहुत बढ़िया भाई। और दूध पीता है? कितना पीता है डेली का? पी लेते हैं एक मुग्गा। अग बिक्री करो हो ना? बेचते नहीं, नहीं। तो भाई ये सतीश भाई ये एक काकरेज नस्ल की जो बाछी आपने ये कहाँ से पाली भाई? ये गौशाला से लाया था, इसके टांग के लगी हुई थी, मैं तो इसको सेवा पानी के लिए लाया था। सेवा पानी के लिए लिया? कोई ट्रक से डाल गए थे इसके पाग ऊपर। अच्छा अगले पाग बिजन खुरी कटी हुई थी इसकी, 4-5 महीना पहले लाया था इसको सेवा के लिए। तो लंगड़ा के चलती थी? हाँ बिल्कुल लंगड़ा के चलती थी, इसका टिक नहीं रहा था धरती में, अब ये बिल्कुल ओके है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं इसके। अच्छा अच्छा हाँ। तो ये घर पे रखोगे या? तो कोई भाई सेवादार लेगा तो इसको दे देंगे। अच्छा सेवादार हाँ। कोई लेगा तो अपना फोन नंबर बताएं एक बार। 999-143-2286
9999 143 2286 तो ये भाई का फोन नंबर है भाई, और माई खुर्द गांव है। जो भी साथी भाई से संपर्क करना चाहता है, ये तो एक आप लोगों के लिए स्पेशल एक झोटी दिखाने के लिए दी हुई, और ये काकरेज नस्ल की गाय है भाई ने बताया है। अगर कोई इस गाय का शौकीन है तो भाई कोई सेवा करने वाला आदमी मिलेगा तो उसको दे देंगे जी, ताकि वो सेवा कर लेगा जी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसी ही वीडियो भाई मैं आगे भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। आप वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे अगर, और जो चैनल पहली बार अपने चैनल से जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्रवीण मोरा फार्म को, और जो भी बेल आइकन का बटन भी दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।